पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, मेलाज्मा, फ्रिकल्स रिमूव करने के लिए आपको यूट्यूब और मेरे चैनल पर बहुत सारी DIY रेमेडीज मिल जाएगी। बट आज के इस वीडियो में कोई DIY रेमेडी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। एक प्रैक्टिस है जो आपको अपने लिए ऑल्टरनेट डे पे प्रैक्टिस करनी है, जिसको करने से ट्रस्ट मी ऑन दिस आपको 10x स्पीड में रिजल्ट्स मिलेंगे, जो कभी आपको किसी DIY रेमेडी से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वो रिजल्ट्स आपको आज की ये फेशियल मसाजेस से मिलेंगे। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ एक ऐसी फेशियल मसाजेस जो आपकी पिगमेंटेशन को कंपैरेटिवली किसी भी DIY रेमेडी के 10x स्पीड में जल्दी रिमूव करेगा। तो वीडियो को एंड तक देखे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दे। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन एंड मेलास्मा के बारे में, जो कि आज के टाइम पे हर दूसरी लेडी का प्रॉब्लम है। फर्स्टली तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आपको पिगमेंटेशन हो किस वजह से रहा है। मोस्टली पिगमेंटेशन होता है सन एक्सपोजर की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो जो प्रेगनेंसी के टाइम पे पिगमेंटेशन होता है वो ऑटोमेटिकली 3 से 4 मंथ्स में आफ्टर डिलीवरी अपने आप चला जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। स्टिल अगर आपका पिगमेंटेशन रह गया है, नहीं जा रहा है, तो आज की ये मसाजेज आप अपने लिए कर सकते हैं। सेकेंड होती है सन एक्सपोजर की वजह से। फर्स्टली तो सन एक्सपोजर से पिगमेंटेशन सिर्फ इसलिए होता है कि जब हम सन में बिना किसी प्रोटेक्शन के या बिना कोई सन ब्लॉक लगाए जाते हैं, तो स्किन ऑटोमेटिकली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डार्क लेयर फॉर्म करती है, जिसे हम पिगमेंटेशन कहते हैं या स्टार्टिंग में सन टैन कहते हैं। धीरे धीरे वहाँ पर पिगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो पिगमेंटेशन होता है। उस हार्मोनल इम्बैलेंस पिगमेंटेशन के लिए आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अपने टेस्ट करवाएंगे। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको पिगमेंटेशन है, जो मेडिकेशंस आपको उन्हें बैलेंस करने के लिए दी गई है वो आप खाएंगे, एंड उसके साथ अगर आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं तो आपका पिगमेंटेशन एक्चुअली में एक लेयर कम हो जाएगा 15 to 16 डेज में। तो ये बहुत ही बेसिक से रीजंस थे जो मैंने आपको बताए, जिन वजह से हमें पिगमेंटेशन होती है। और भी बहुत सारे रीजंस है पिगमेंटेशन होने के, बट ये तीन जो थे ना, ये मेन रीजंस थे, लाइक मेजर रीजंस थे जिन वजह से मोस्ट ऑफ द लोगों को पिगमेंटेशन होता है। तो अभी समझते हैं कि किस तरह से फेशियल मसाजेस जो है वो काम करती है हमारे पिगमेंटेशन एंड मेलाज्मा को रिमूव करने के लिए। फर्स्टली तो पिगमेंटेशन, मेलाज्मा एंड फ्रिकल, ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं, सेम नहीं है, बट स्टिल जब आप फेशियल मसाजेस करते हैं तो वो तीनों पे इक्वली काम करती है। इनफैक्ट अगर आपको एंटी एजिंग कोई भी चीज़ अपने लिए करनी है तो कोई क्रीम व्रीम से कोई कुछ जादू नहीं होने वाला। अगर आप फेशियल मसाजेस करते हैं तो आपके फेस से जो फाइन लाइंस आ रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, वो भी थोड़े डिले हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। क्योंकि जब हम फेशियल मसाजेस करते हैं ना, हमारी स्किन ऑटोमेटिकली टाइट होती है, ग्लो आता है चेहरे पर, और हमारे बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव होते हैं। फर्स्टली किस फेशियल मसाज काम कैसे करती है, फेशियल मसाज जब आप करते हैं ना अपने चेहरे पे, तो आप फील करेंगे कि आपको गरम गरम महसूस हो रहा है। उससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन आपका इम्प्रूव हो रहा है, तो वो जो ब्लड है ना, वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो आपने खाए होंगे वो हमारे उस सेल्स तक लेकर आता है और वो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स अपना काम करते हैं। साथ में हमारी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, वहाँ से जितने भी टॉक्सिन्स हमारी स्किन के अंदर होते हैं जो निकल नहीं पा रहे, वो फेशियल मसाज की हेल्प से वो लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, एंड हमारी स्किन जो होती है डेड स्किन वो रिमूव होती है और न्यू अच्छी हेल्दी स्किन आती है। तो इस तरह से कुछ फेशियल मसाजेस काम करती है। इसीलिए कंपैरेटिवली जो भी हम DIY करते हैं ना, उसके कंपैरिजन में फेशियल मसाजेस ज़्यादा बेटर काम करती है हमारी पिगमेंटेशन रिमूव करने में। तो चलिए अभी देखते हैं कि कौन कौन सी फेशियल मसाजेस और किस तरह से करनी है। बट अब जब भी हम फेशियल मसाज करते हैं तो सबसे पहले आता है कि अब फेशियल मसाज करें तो किस से करें। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी आप सिर्फ बिगिनर हैं तो आप क्या करें, नॉर्मल एक्स्ट्रा वर्जिन कोई भी ऑयल लेना है। एक्स्ट्रा वर्जिन वो ऑयल होता है जिसको किसी भी हीट प्रोसेस से नहीं डाला गया होता, लाइक उसको नेचुरली बनाया गया है। तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, आलमंड ऑयल ले सकते हैं, आर्गन ऑयल है तो उससे बेस्ट तो क्या ही हो सकता है। उसके बाद आप ले सकते हैं ऑलिव ऑयल। ये 3-4 ऑयल है जो आपके फेस के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होती है, आपकी स्किन इसके लिए
फिर उस ऑयल में आप थोड़ा सा मिक्स करेंगे, लाइक अगर आपने एक चम्मच लिया है वो नॉर्मल ऑयल जो भी आप जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल है, तो उसमें एक चम्मच आप ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल, और साथ में अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास विटामिन ई नहीं है, क्योंकि कैस्टर ऑयल भी रिच होता है विटामिन ई में, एंड उसमें होते हैं काफ़ी सारे ओमेगा 6 फैटी एसिड जो हमारे स्किन के लिए बहुत अमेजिंग होते हैं। तो अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आप अपने लिए फेशियल मसाजेस करते हैं ना, तो ट्रस्ट मी आपको मैजिक दिखेगा दो बार के एप्लीकेशन में। सेकेंड चीज़, जब भी आप फेशियल मसाजेस अपने लिए करेंगे ना, तो आप एक दिन छोड़कर करेंगे, और जो भी फेशियल मसाज करेंगे वो हल्के हाथों से करेंगे, आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने चेहरे पे नहीं डालना है। तो ये आपका ऑयल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि कौन सा लगाना है। देखिए ऑयल जो मैंने बोला है, अगर हो सके तो यही वाला लीजिए, रीज़न इज़ कि जो ऑयल है वो हमारी स्किन के अंदर जाएगा। अगर आप कोई बेकार क्वालिटी का ऑयल लेते हैं तो हो सकता है कि आपको इस फेशियल मसाज से फेस पे बम्प्स आए, आपको छोटे छोटे बहुत मतलब लाइक फोर हेड पे चीक्स पे आपको छोटे छोटे टीनी बम्प्स दिखे, तो मेक श्योर करें कि आप एक अच्छा हेल्दी क्लीन क्वालिटी का ऑयल ही अपने लिए यूज़ करें। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप क्या करो, मलाई ले लीजिए, या फिर जो घर पे नेचुरल जो घी होता है होममेड वो ले लीजिए अगर आपके पास ऑयल ये वाला नहीं है, बट इसके अलावा आप कोई और बेटर ऑप्शंस नहीं लेंगे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि कैसे कैसे आपको फेशियल मसाजेस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फेशियल मसाज। मसाज स्टार्ट करने से पहले आप अपने बालों को अच्छे से सिक्योर कर लीजिए ताकि वो बीच में ना आए, अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके फेस पे कोई भी डर्ट रहेगा तो वो आपके ऑयल के साथ आपके पोर्स में चला जाएगा और आपको बहुत सारे बम्प्स हो सकते हैं, पिंपल हो सकते हैं, और ज़्यादा आपकी स्किन कंडीशन ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर जो मैंने ऑयल यूज़ किया है वो है कैरेट ऑयल जो मैंने घर पर बनाया था। कैरेट विटामिन ए रिच होता है जिससे हमारी स्किन में कोलेजन स्टिमुलेट होता है। अगर आपके फेस पे रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, तो उसके लिए ये ऑयल बहुत अमेजिंग है। एंड ट्रस्ट मी, इसका जो फ्रेग्रेंस है ना वो तो अलग ही लेवल का है। तो मैंने ये बनाया था अपने लिए, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगी और कमेंट सेक्शन में भी लिंक कर दूंगी। अगर आपको बनाना है तो आप अपने लिए बना सकते हैं। जब आप फेशियल मसाज स्टार्ट करें तो आपके हाथ से जो भी रिंग्स आपने डाली है उसको अगर आप रिमूव कर लेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि समटाइम्स कोई स्क्रैच आपके फेस पे लग सकता है। जब फेशियल मसाज करना स्टार्ट करें तो आपको नेक रीजन से करना स्टार्ट करना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन ऊपर वाली साइड को आए। फेशियल मसाज करने से पहले आप अपने जो ऑयल है ना उसको अच्छे से रब कर लीजिए। जब आपके पाम अच्छे से गर्म हो जाए ना, उसके बाद आप अपने पूरे चेहरे पे इवनली वो ऑयल पहले लगाएं एंड धीरे धीरे अपने फेस को गर्म करें। 2-3 मिनट तक आप नॉर्मली मसाज करें, उसके बाद जिस तरह से मैंने यहाँ पर दिखाया ना, फिंगर्स को आपने इस तरह से करना है एंड अपने ईयर के पीछे इसी तरह से आपने स्ट्रोक्स देना स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज के पॉइंट्स होते हैं, तो जब आप ये स्ट्रोक्स देंगे ना, 5 से 10 बार आपने ये स्ट्रोक्स देनी है। जब आप ये स्ट्रोक्स देंगे ना तो आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज क्लीन करेगी जितने भी टॉक्सिन्स आपके ब्लड में हैं। उसके बाद इस तरह से आपने अपने फिंगर को करना है एंड अगेन अलग तरह से इस प्रोसेस को करना है एंड अपने ईयर के इस पॉइंट पे ले जाकर जिस तरह से मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ ना, प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा या तो वीडियो को स्लो कर लीजिए स्पीड, उस तरह से देखिए। फेशियल मसाजेस करते हुए आप कोई भी गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से करेंगे और हल्के हाथों से करेंगे। प्रेशराइज नहीं करना है आपने अपने चेहरे को, बस हल्का हल्का वो आपको जो गर्माहट है ना वो फील होगी। तो आप जिस तरह से ये मैं पॉइंट्स दिखा रही हूँ ना, इसको आपने इसी तरह से प्रेस करना है। हमारे पूरे चेहरे पर बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं एंड बॉडी को समझाते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, इसे हमें फिक्स करना है, ठीक करना है। अब देखिए पिगमेंटेशन मोस्टली हमारे लिप्स के अराउंड, फोरहेड पे, चिन पे होती है, तो जहाँ जहाँ आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है ना, उस एरिया में आपने 5-6 स्ट्रोक्स कंपैरेटिवली अदर रीज़न के ज़्यादा देने हैं
ताकि वहाँ पर अच्छे से ब्लड स्टिमुलेट हो। उसके बाद जो भी आप मसाजेस आप कर रहे हैं, जितनी भी मसाजेस आपने परफॉर्म की सारी मसाजेस आप अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे, कोई भी नीचे वाली पोजीशन में नहीं करेंगे। जिस भी तरह से आप अपना स्ट्रक्चर चाहते हैं ना अपने फेस का, अगर तो आपको झुरियों वाला चेहरा पसंद है, नीचे को लटका हुआ चेहरा पसंद है, तो आप वैसे करिए। बट अगर आपको झुरिया अपने फेस पर नहीं पसंद है, लटकता हुआ चेहरा नहीं पसंद है, तो आपने अपवर्ड डायरेक्शन में ये करना है। अगर जो नोज़ कंटोरिंग करते हैं ना, कंटोर लेकर, अगर आपको वो भी अवॉइड करनी है ना, मेरा नोज़ बहुत ज़्यादा बेकार लगता है मुझे मोस्टली, तो जो भी मैं फेशियल मसाजेस करती हूँ वो सिर्फ रिलैक्सेशन एंड अपने नोज़ को कंटोर करने के लिए करती हूँ। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके जो फेस के अराउंड जो भी पिगमेंटेशन है, और अगर आपका नोज़ थोड़ा सा ब्रॉड है तो वो भी चेंज हो सकता है। यस, फेस मसाजेस में इतनी कैपेसिटी होती है कि अगर आपको आपका कोई पार्ट पसंद नहीं है ना अपने फेस का, तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। और जहाँ जहाँ जिस जिस पॉइंट पे मैं सर्कुलर मोशन में कर रही हूँ, वो एक्यूप्रेशर पॉइंट है। मैं नई वीडियो जब बनाऊंगी फेशियल मसाजेस पे, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अभी मैं बहुत ही बेसिक सी मसाजेस आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए है। एंड मैं मोस्टली जब भी कभी मंथ में एक बार करती हूँ, तो मैं यही फेशियल मसाजेस करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये इतनी हेल्पफुल होती है ना, अगर आपको नींद नहीं आ रही, आपको कोई स्ट्रेस है, वो सब रिलीज़ हो जाता है। अब इसी तरह से आपने यहाँ पर भी, हमारे ऑलमोस्ट 12-13 प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जहाँ से मैं फिंगर ऊपर को कर रही हूँ ना, वहां पे, तो इसी तरह से आपने ये करना है। उसके बाद रिंग फिंगर से आपने अपने आई एरिया को सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। जितनी भी मसाजेस आप करेंगे उसमें आपने 5-10 स्ट्रोक्स देनी है। जो आपका पिगमेंटेड एरिया है वहाँ पर आप 10 स्ट्रोक्स ज़्यादा दीजिए, और जो भी फेशियल मसाजेस होंगी वो आप अल्टरनेट डे पे करेंगे, डेली नहीं करनी है। अब आप अगर डेली फेशियल मसाजेस करते हैं तो हो सकता है कि आपकी बॉडी उस चीज़ को लेकर हैबिचुअल हो जाए, एंड उसके बाद आपको रिजल्ट्स कोई ना मिले। उसके बाद अगेन आपने अपने फिंगर्स को ऐसे करके आपका जो चीक्स वाला एरिया है, मुझे बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस रहती है इस एरिया में, मेरी आईज़ बहुत अंदर चली गई क्योंकि मैं ज़्यादा सोती नहीं हूँ, तो उस वजह से यहाँ पर बहुत गड्ढे रहते हैं, उसके लिए ये मसाज बेस्ट है। आपके अगर आईज़ के नीचे गड्ढे हैं तो वो भी आप रिकवर कर सकते हैं। फोरहेड को भी आपने ऊपर वाली साइड पे ऐसे पुश करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ, और आपकी फेशियल मसाज यहाँ तक हो गई। उसके बाद लास्ट में आपने अगेन जो लिम्फेटिक ड्रेनेज वाली, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी एक्सरसाइज, वो आपने वहाँ पर फिर से करनी है। एंड उसके बाद आपने नेक एरिया को आपने फिर से अपने कॉलर बोन्स पे लाके थोड़ा सा प्रेशर देना है, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन और अच्छे से स्टिमुलेट हो पाए। एंड ये मसाजेस आपने 5-10 मिनट्स के लिए करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी है। लालच हमेशा बुरी चीज़ होती है, तो कभी भी लालच में आके कोई चीज़ ना करें। एंड जब आपकी सारी मसाजेस हो जाए, तो आपने हल्का सा ना अपने मुंह को पिंच, जैसे करते हैं ना हम, पर बहुत ज़ोर से नहीं करना, पूरे फेस को पिंच करिए, मैं भी करके दिखाऊंगी। एंड उसके बाद हल्के हल्के से आपने स्लैप करना है अपने पूरे फेस को, ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो और ज़्यादा स्टिमुलेट हो, और आपकी बॉडी को एटलीस्ट समझ तो आए कि हाँ आप कुछ तो कर रहे हैं, तभी वो समझ पाएगी ना कि हाँ कुछ तो हो रहा है, और वो तभी रिएक्ट करेगी। नाइट टाइम पर आपने सारी मसाजेस करनी है, क्योंकि नाइट टाइम में बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, और आपने अच्छे से स्टिमुलेशन दिया होगा ब्लड को, तो बॉडी को भी हेल्प मिलेगा अपना काम अच्छे से करने में। अब आराम से फेशियल मसाज करके सो जाइए, यू विल सी कि आपको बहुत अच्छी स्लीप आ रही है, एंड जब आप सुबह उठेंगे ना तो और ज्यादा ग्लोइंग स्किन के साथ उठेंगे। तो ये थी आज की मेरी फेशियल मसाजेस, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको पिगमेंटेशन नहीं भी है तो भी अगर आप इसको करते हैं ना, तो आपके फाइन लाइंस कम हो जाएंगे, आपकी स्किन सप्पल टाइट एंड ग्लोइंग हो जाएगी। सुबह उठकर आपको किसी माइल्ड क्लेंजर से अपना फेस क्लीन करना है, क्योंकि ऑयल है तो आपको लग सकता है थोड़ा सा अपना फेस ऑयली, तो उसको अच्छे से किसी माइल्ड क्लेंजर से आप क्लीन कर लीजिए। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लेंगे एक आइस बोल, जिसमें आपने थोड़े से आइस डालना है, पानी डालना है, एंड उसमें मैं चेहरा डिप कर देना है, बस। अब इसके अलावा आपको कुछ भी करने के लिए ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जिनकी अभी शादी आ रही है ना, अगर आपके पास एक महीना है और आप ये बस चीज़ें अपने लिए प्रैक्टिस करते हो ना,
आपका पिगमेंटेशन बोल रहे हो, आपको कोई पार्लर से भी कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ग्लो आपके चेहरे पे आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट, इफ़ येस देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।